हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपिकर्स। अभी मैं बच्चों के लिए ये वाले ट्राई कर रही हूँ कुरकुरे। आ रही ने ये मेरे को डब्बा उठा के दिया था कि मम्मा मुझे ये खाने हैं, ये दे दो। बन गए, बस बन गए। आलू बन गए। गुड मॉर्निंग, आ जाओ आ जाओ आरुही, आरुही आ जाओ। मैं पहनाई है आरुही को पायल, तो आरू कह रही है मम्मा मुझे भी पहननी है। छम 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 छम। बैठो, अभी कपड़े ला रहे हम आपके लिए, ठीक है? तो अभी पहननी है आरू को भी पायल पहननी है। क्या बीटू मैं पहना हूँ? अभी नानी तो ना रही है ना आपके लिए। आ रही हूँ बेटू, आ रही हूँ आ रही हूँ। आ रही हूँ बच्चा, आ रही हूँ। कितनी अच्छी, हाँ आ दो। पहनू बाबू, कितनी प्यारी लगेगी मेरी आरू। कैसे करोगी? छम छम छम। आरू का बहुत अच्छा डांस आता है, छोटी आप भी करोगी? छोटी की तो देखो चुन्ना जैसी पे है। छम छम, अब खड़े हो जाओ, जाके तो दिखाओ, खड़े हो जाओ। अरे भाई कितनी प्यारी लग रही। थैंक यू तो बोला नहीं मम्मा, आपके लिए पायल लाई। ऐसे बोलो थैंक यू मम्मा। थैंक यू मम्मा, प्यारी कर दो मुझे। कुछ खाने के लिए वो खाने के लिए मैं रख। हाँ बोलो। ए आ रही बोलो। ए बहुत प्यार से बोलती है बी सी डी। मेरा गुल्ला अच्छा, मेरा बच्चा, बस थैंक यू। देखो आरोही कैसा व्यू एंजॉय कर रही है। आरोही अच्छा लग रहा है बेबी, अपनी कुर्सी लेके, ये आरू की कुर्सी है, अच्छा लग रहा है। मम्मी लगा रही है यहाँ पे झाड़ू, और अभी मैं लगाऊंगी आज पोछा फिर। हाँ हमने बाई वगैरह भी नहीं लगाई है क्योंकि ये अब ठीक है नहीं लगानी। अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, झाड़ू पोंछा सब कुछ हो गया है। और मामू क्या बना रहे हैं? मैगी। मैं चावल भिगो के जा रही हूँ, आज बनाऊंगी मैं दाल चावल। और बॉबी यहाँ पे बना रहा है बच्चों के लिए मैगी, और फिर बच्चे खाएंगे दाल चावल। ये बेटू मम्मा आपके लिए बिना मिर्ची वाली दाल बनाएगी, क्योंकि बच्चों को दाल चावल बहुत ज्यादा पसंद है, तो इनके लिए अलग से निकाल दूंगी, मिर्ची के बाद में डालूंगी। लग गई बेटू, लग गई बालों में। बाल जो मैं ऐसे रोती हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सपना जी जो ऐसा देख कर कि मतलब अभी वह अपने ससुराल में थी और इतने साल उन्होंने सहा, मतलब प्रेगनेंसी में भी उनके हस्बैंड सूरज जी उनको मारते थे,
इतना मतलब 4 महीने की अब वो प्रेग्नेंट थी और उसको मारते थे, लेकिन फिर भी वह अपने ससुराल पर बनी रही, उसने अपना घर नहीं छोड़ा। और सूरज जी की डेथ के बाद जब राजवीर से शादी हुई तब भी मतलब उसने कानों का किसी को खबर तक नहीं लगने दी थी। वह इतनी परेशान थी कि मतलब एक औरत की यह एक देखिए कि वह अपने संसार को मतलब छोड़ना नहीं चाहती जानबूझकर, लेकिन उसे इस तरह टॉर्चर कर दिया जाता है कि सपना जैसी लड़की जो कि खुद एक सेल्फ डिपेंड है, जो कि अपने सास ससुर की सारी करतूतें वो छुपाती चली आ रही है, जब तक वो सह सकी तब तक उसने सहा, लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि तब तक उसने घर छोड़ा मजबूरी में ही छोड़ा। इसके बाद भी जब उसके सास ससुर उसके पास नहीं थे, उनके बेटे नहीं हैं, उसी के बेटे की 2 बेटियां हैं, तो वह उसको भी उसकी प्रॉपर्टी में हक नहीं दे रहे हैं, मतलब उस परे भी जब सपना ने घर छोड़ा दिया और वह जाकर ग्वालियर में शिफ्ट हो गई तब भी उसको चैन नहीं लेने दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे अब भाई, इतना पैसा और इतना सब कुछ जोड़कर, क्योंकि बुढ़ापे में आप ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, यह तो सपना आप लेकर जाएंगे और ना सपना ना कोई व्यक्ति खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाना है। उसके बच्चियों को ही अधिकार है, कानूनी अधिकार तो बच्चियों का ही है, लेकिन फिर भी उसके ससुर उसको देना नहीं चाह रहे हैं। तो ये अजीब सी विडंबना है कि यह तो वही जाने, लेकिन सपना भी अपने पैरों पर खड़ी है, वो अच्छा है, अच्छा खासा कमा लेती है, भगवान करे और ऊपर जाए और अच्छा करे, लेकिन फिर भी लोग मतलब दोनों बेटों के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली है, कम से कम बहू बच्चे थे तो घर में रौनक भरी रहती थी, घर भरा भरा रहता था, और उसके साथ ससुर को सोचना चाहिए, मतलब इतनी अच्छी बहू मिली, इतना सब कुछ उसने किसी को नहीं बताया, कानों का खबर तक नहीं लगने दी, आखिर क्या चल रहा है उसके घर में, उसका पति उसको मारता पीटता सब उसने रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, अब जाकर उसने सुनाई, वो यह पहले भी कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। राजवीर जी से शादी कराई गई तो शायद यही रीजन रहा होगा कि बहू कहीं पर घर की बातें जाकर बाहर ना बता दे, तो इसलिए राजवीर जी से शादी करवा दी, और यह तो खैर उनका फैमिली मैटर है, सच्चाई बुराई हम नहीं जानते हैं, इसलिए इस बारे में कहना यह सही नहीं होगा, पर सोशल मीडिया में यह बातें बहुत आ रही हैं कि मतलब इसलिए राजवीर जी से शादी कराई गई कि सपना कहीं पोल पट्टी खोल ना दे घर की, तो यह तो उनका घर का मैटर है, सोशल मीडिया में हर चीज़ को बढ़ा जा चढ़ा कर बताया जाता है, और इसलिए मैं एक पक्ष का इधर सिर्फ सपना का साइड नहीं लूँगी, यह गलत है होगा कि मतलब इसलिए उसने राजवीर जी से शादी की थी, क्या कंडीशन थी कैसा यह तो वो जाने, इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ यह है कि कोई भी लड़की कोई भी बहू अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, और जबकि उसके हस्बैंड नहीं हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं, उसकी 2-2 बच्चियां तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो इतने शांति और अब जाकर वो चीज़ सामने ला रही हैं, तो वो लाखों कमा रही हैं, किसी को उसको कोई ज़रूरत भी नहीं, वो खुद अपना बहुत अच्छे से लाइफ निकाल सकती हैं, अपने दोनों बच्चों को अपना अच्छा फ्यूचर दे सकती हैं, लेकिन फिर भी दोनों पति के जाने के बाद भी ससुराल में बनी रही, कितना मजबूर कर दिया होगा उसको कि आज वो दुनिया के सामने यह सब चीज़ें बता रही है। तो यही मैं कहूँगी कि उसके साथ ससुर ने या सभी के साथ यह वीडियो तक पहुँचे और ना पहुँचे, तो ये खैर वायरल तो नहीं हो जाएगा वीडियो कि उन तक पहुँचे, लेकिन हाँ हो सकता है कि एक दूसरे के शेयरिंग से वीडियो आगे जाए और बस, लेकिन हर कोई यही प्रेरणा प्रे करेगा कि उसकी 2-2 बच्चियां हैं और उन
उनको जो उसका जो अधिकार है, सूरज और राजवीर की जो दो बच्चियां हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। यही मैं कहूंगी कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, उनको उनका अधिकार दे दिया जाए और सपना को वापस घर बुला लिया जाए। और एक ही बहू है, एक ही बहू को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं सपना को देखकर, मतलब नए घर में भी वो ग्वालियर में जो शिफ्ट हुई है उसने अपना होम टूर कराया, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि इतने दुख और कष्ट झेलने के बाद वो आज इतनी खुश है, बस खुश ही रहे अच्छा है और बस जीवन में इसी तरह आगे बढ़ती रहे।